61 ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहृत किस वर्ष किया था? ए 1919, बी 1927, सी 1938, डी 1945। आंसर ए 1919। 62 जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ए 1917, बी 1919, सी 1918, डी 1935। आंसर बी 1919। 63 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरी प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत, डी कलकत्ता प्रांत। आंसर ए बंगाल महाप्रांत। 64 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए मौलाना आजाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर बी सर सैयद अहमद। 65 चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा, सी स्वदेशी, डी जलियांवाला बाग। आंसर ए असहयोग आंदोलन। 66 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? ए अलगाववादी आंदोलन, बी स्वदेशी एवं बहिष्कार, सी होम रूल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी होम रूल। 67 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ए सिंध, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी पंजाब। आंसर बी हड़प्पा। 68 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे एकमात्र शक्ति, बी कर्मकांड, सी आत्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर एकमात्र शक्ति। 69 आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? एक वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान, डी योद्धा। आंसर बी श्रेष्ठ या कुलीन। 70 निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए चावल, बी गेहूं, सी तंबाकू, डी ये सभी। आंसर सी तंबाकू। 71 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए उपनिषद, बी अथर्ववेद, सी शुल सूत्र, डी शतपथ ब्राह्मण। आंसर सी शुल सूत्र। 72 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए ऋग्वेद। 73 वेदों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 6, डी 8। आंसर बी 4। 74 ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि, डी व्यवसाय। आंसर बी पशुपालन। 75 भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। आंसर ए सामवेद। 76 प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए सेल्युकस, बी चाणक्य, सी मनु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी मनु। 77 कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ए गीत गोविंद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भगवत गीता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी श्रीमद् भगवत गीता। 78 ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए भूमि, बी गोधन, सी गोधन और भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी गोधन। 79 पुराणों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 16, सी 18, डी 11। आंसर सी 18। 80 वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए पशुपति, बी प्रकृति, सी माता, डी त्रिमूर्ति। आंसर बी प्रकृति। 81 किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए वरुण, बी इंद्र, सी राम, डी कृष्ण। आंसर बी इंद्र। 82 शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए गणित, बी संस्कृत, सी ज्योतिष, डी ज्यामिति। आंसर डी ज्यामिति। 83 अस्तु मा सदग्मय कहाँ से लिया गया है? ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। आंसर सी ऋग्वेद। 84 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/5। आंसर सी 1/6। 85 प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? ए तांबे, बी स्वर्ण आभूषण, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी स्वर्ण आभूषण। 86 योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए गौतम, बी चाणक्य, सी विदुर, डी पंतजलि। आंसर डी पंतजलि। 87 उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? ए दर्शन, बी धर्म, सी योग, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए दर्शन। 88 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है?
ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती। आंसर ए सिंधु। 89. कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए मीमांसा से, बी वेदांत से, सी न्याय से, डी ये सभी। आंसर ए मीमांसा से। 90. वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए गणतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी राजा शासन, डी वंशानुगत राजतंत्र। आंसर ए गणतंत्र। Like, comment, and subscribe.